जयमल को उसकी मामी ने धमका दिया, उसके मामा से शिकायत कर दी कि ये मुझे गंदी नजरों से देखता है। जयमल को घर से बाहर निकलवा दिया। प्रेमी श्रोताओं, इन बातों को कुछ दिन हो जाते हैं, कुछ समय बीता तो कुछ दिनों के बाद जयमल अपने चाचा मालदेव को दारू के नशे में अपने घर ले आता है। और जब जयमल का चाचा मालदेव उसके घर पहुंचा तो घर में शीश बंधने की साड़ी टंग रही थी जो सूख रही थी। उस साड़ी को जब मालदेव ने देखा तो न्यू कहने लगा जयमल से कि जयमल ये बता कि ये साड़ी किसकी है। अरे जब साड़ी इतनी सुंदर है तो साड़ी पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। इतनी आवाज जयमल की घरवाली शीश बंधनी ने सुन ली और क्या कहती है अपने पितसरे मालदेव को, आइए सुनते हैं। हे रे पितसरे समझौता कर ले, इसी साड़ी और साड़ी वाली सो ला दूंगी। क्या कहने लगी इसी बंदनी, हे रे पितसरे समझौता कर ले, मैं ब्याह सगाई सो लिया दूं, जिसी बहन मेरे छोटी से मैं उसी लुगाई सो लिया दूं, छोटी से उसी लुगाई सो लिया दूं। पीतसरे समझौता कर ले, पीतसरे समझौता कर ले, मेरे यहाँ सगाई सो लिया दूं, किसी बहन मेरी छोटी से उसी लुगाई सो लिया दूं, किसी बहन मेरी छोटी से उसी लुगाई।
मारे थूक उठता सारा कुण बट हलकरी तेरी ऊपर थूक उठता हो सारा कुण आनंद करके जीम रसोई मतना मन में मेल करे आनंद करके जीम रसोई मतना मेल करे मेरे जिस पे तेरा जी लल चावे जिस पे तेरा जी लल चावे उसी मिठाई से ला दूं मेरे जर्सी मार छोटी से मैं उसी लुगाई से कली का तिलक रख लिया खाली सुई से